हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं, मज़े में हैं। यहाँ पर दिन की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ मैं आटा लगा रही थी रोटी और पराठों के लिए, साथ ही मैंने चाय ले ली थी पीने के लिए। तब तक ये खुद से हो जाएगा अच्छे से गूंथ कर। तो यहाँ पर आटा लग गया था और बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं उनके लिए पराठा बना रही थी। क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनकी और मेरी दोनों की तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रखा था, तो कोई भी नहीं जा पाया दोनों में से स्कूल। तो मैं उनके लिए आज पराठा बना रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उन लोगों को आदत है पराठा ले जाने की। तो नाश्ते में अभी काफ़ी दिन से पराठा नहीं खा रहे थे, तो बस आज पराठा बन रहा था नाश्ते में। तो मैं बना रही हूँ चिली चीज़ पराठा। तो अश्मीरा के इसमें जो है मैं बहुत कम पेरी पेरी मसाला लगाती हूँ और धनिया पत्ता तो बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ उसको ऐसा लगता है कि मम्मा ने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की है तो बहुत डिस्टर्ब होती है खाने में, तो उसके लिए मैं बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। और फटाफट से पराठा बेल दूँगी। मैं स्क्वायर शेप में बेल रही हूँ, आप चाहो तो इसको ट्रायंगल्स या राउंड में भी कर सकते हो, बट स्क्वायर में उनके टिफ़िन में बहुत अच्छे से चला जाता है कट करके, तो मोस्टली मैं स्क्वायर ही बनाती हूँ। वैसे तो बेला किसी भी तरीके से जा सकता है, किसी भी शेप में आप उसको बेल सकते हो या बिना शेप वाला भी बेल सकते हो, बस उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। तो तवा अच्छा सा गर्म हो गया था, तो इसमें पराठा रख दिया है मैंने, और जब तक ये वाला पराठा सिकता है मैं दूसरा भी पराठा बेल लूँगी। मैं मीडियम टू लो पे ही पराठा सेकती हूँ, तो जो चीज़ है ना वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो देखिए अब टर्न कर दिया, दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। और मैं पराठे पे बटर वगैरह नहीं लगाती हूँ, देसी घी ही लगाती हूँ, बिकॉज़ ये लोग घी बिल्कुल नहीं खाते, तो पराठे के इसमें वो लोग खा लेते हैं, तो उसमें मैं घी लगा दूँगी, ठीक है। और इसको अब टर्न कर लेंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से पराठा सिक गया है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा और बहुत अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगा। और बच्चे बहुत इंजॉय करके ये वाला पराठा खाते हैं, बिकॉज़ इसमें उनको पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर थोड़ा सा लग जाता है, जैसे कि चीज़ और हम लोग जो भी इटालियन हर्ब्स वगैरह उसमें ऐड करते हैं पेरी पेरी मसाला, तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खा लेते हैं। और इनके स्कूल में भी स्नैक्स वगैरह की कोई बाहर की वाली चीज़ें नहीं ले जाते हैं, तो पराठा मेरे लिए हिसाब से उनके लिए बेस्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं रूमी के लिए बना रही हूँ और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मैंने पेरी पेरी मसाला ऐड किया है, और इसमें मैं उसके लिए धनिया पत्ता भी डालूँगी, बिकॉज़ दिखने में भी काफ़ी अच्छा बन जाता है जब हम उसमें धनिया पत्ता वगैरह ऐड करते हैं। तो कभी मैं उनको पराठा इस तरीके वाला पराठा देती हूँ, कभी उनको डायरेक्टली मैं डो में मिक्स करके चीज़ें पराठा बना देती हूँ, कभी दाल वगैरह का पराठा दे देती हूँ, कभी वेजिटेबल का बना के देती हूँ, तो इस तरह ऑलमोस्ट वो लोग पराठे खा लेते हैं टिफ़िन में। तो काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे, तो मैंने आज उनके लिए नाश्ते में भी पराठे ही सेक लिए थे। तो देखिए कितने मज़े के तैयार होते हैं, और बिल्कुल इसमें से आप इस तरीके से बेलोगे ना तो चीज़ भी बिल्कुल आपके तवे वगैरह पे नहीं फैलेगा और स्टिक होगा, बिल्कुल अच्छे से पराठे मैंने बना लिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 पराठे सेक लिए थे उन दोनों के लिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि कहीं बहुत दिन से नहीं खा रहे तो कहीं और ना लग जाए, बट 2 ही पराठे काफ़ी हो गए थे। और ना देसी घी से पराठों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप लोग भी बटर वगैरह इस्तेमाल ना किया करें, कोशिश करें कि कम से कम ऐसे तो नहीं हम उसको पूरा अवॉइड कर सकते, बट कोशिश किया करें कि हम उसको रिप्लेस कर सकें ऑलिव ऑयल या देसी घी वगैरह से। तो यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल वेट कर रहे थे पराठा के मम्मा कब लेकर आएंगे, और फिर एक्साइटेड भी थे ये लोग पराठा खाने के लिए, क्योंकि लिटरली ये लोग ने ना 15 डेज़ स्कूल मिस किया है अपना, क्योंकि हम लोग गए थे पहले मेरे इन लॉज़ के घर, फिर वहाँ से आने के बाद बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और हम भी लाइन टर्न बाय टर्न से सारे बीमार हो रखे थे। तो फिर बहुत दिनों के बाद मैंने बनाए, नॉर्मली रोटी वगैरह ही बना रही थी मैं नाश्ते वगैरह के लिए भी या लंच वगैरह के लिए,
तो देखिए यहाँ पर मैं अशमीरा को पीसेस करके देती हूँ। पहले मैं रुमैसा को भी देती थी जब वो छोटी थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जब हम पीसेस करके बच्चे को सामने देते हैं ना तो वो खुद से खाना सीख जाते हैं बहुत जल्द चीज़ों को। और मैंने उसको बहुत कम एज से दोनों बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी तरीके से खाना खुद से खाने की आदत लगवाई थी कि मैं उनको मेस करने देती थी, कि राइस वगैरह भी मैं रुमैसा को स्पून के साथ दे देती थी कि वो गिरा दे लेकिन वो खुद से खाए हुए। तो आज माशाल्लाह वो कभी भी अपने हाथ से ही खाना खा लेती है। और यहाँ देखिए अशमीरा को भी हमने बहुत छोटी थी तब से यही आदत लगाई है कि उसको अपनी प्लेट चाहिए, उसमें उसको खाना खाना है, खुद के हाथ से खाना खाना है। तो इसी तरीके से मेस करते हुए बच्चे सीख जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है उनको देख के कि वो खुद के हाथों से खा के चीज़ों को उसकी वैल्यू समझते हैं कि नहीं ये हमें इतना खाना है, या उनका पेट भर जाता है, उनको महसूस होता है कि हाँ हमने भी कुछ किया है। तो इस तरीके से बच्चे खुद से खाना सीख लेते हैं। हाँ शुरुआत में मेस ज़रूर होता है, बट अगर कुछ सीखना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी रोज़ाना बच्चे बड़े हो जाए तब तक उन्हें खिलाने से अच्छा है कि हम उनको पहले ही थोड़ा सा मेस करने दें और ख़ुद से एक्सप्लोर करने दें चीज़ें कि वो अपने हाथ से ले खाए, भले गिरा दे वे लेकिन सीख जाएगी इसी तरीके से। तो यहाँ पर इनकी बातें ख़त्म हो रही थी, चल रही थी और पराठा भी इंजॉय कर रहे थे और मैं फिर किचन में आ गई थी बिकॉज़ आज लंच के प्रिपरेशन भी मैं जल्दी ही कर लूँगी, क्योंकि इब्राहिम तो नहीं थे लंच के लिए, मैं और मेरे ब्रदर और बच्चे थे बस। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि रात का जो दाल था, हमने अखा मसूर वाला दाल बनवाया था रात में, तो बहुत ज़्यादा बच गया था, तो मैंने सोचा था कि लंच में हम वही खा लेंगे दाल चावल, बट आलू भी बॉईल किया हुआ था तो, और काफ़ी दिन हो गए थे आलू वाली सब्ज़ी भी नहीं खाई थी तो सोचा कि वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छा सा पील कर दिया है और इसको ग्रीन चिली एज़ यूजुअल मैं कट करके ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह खा लेते तो अपने हिसाब से वो निकाल लेते हैं और अगर हमें तीखा खाना हो तो हम उसको सब्ज़ी में खा लेते हैं। तो यहाँ पर चिलीज़ वगैरह चॉप कर दूँगी मैं और तैयारी शुरू कर दूँगी और आप देखेंगे आगे कि क्या हो गया था इस वीडियो में। तो यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है मैंने और जैसे ही ऑयल अच्छा सा गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, और जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा तड़कने लगेगा अच्छा सा गरम हो जाएगा, क्योंकि ना उसका फ्लेवर आता है फिर ऑयल में, तो मैं रख दूँगी दो सूखी लाल मिर्चें, साथ ही ऐड कर देंगे करी लीव्स और इसको अच्छा सा ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और बस यही चल रहा था और जो मेरा फ़ोन है वो बिल्कुल एक धमाल से गिर गया अपना पैन में। तो यहाँ देखिए मैंने चिलीज़ वगैरह ऐड कर दी है, ग्रीन चिलीज़ जो चॉप करके रखी थी, इसको मिक्स कर देंगे हम। ऑनियन ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ही सिंपल सी ये आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। आप देखोगे तबीयत अभी भी थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा सा खांसी वगैरह है और ये मेरा फ़ोन बिल्कुल धमाक से आके गिर गया था ऑयल के अंदर। फिर मैंने उसको अच्छे से लिया, वापस क्लीन वगैरह किया और दोबारा से शूट पे लगा दिया। क्या पता जब भी मैं शूट करने निकलती हूँ ना तो कुछ भी उल्टी पुल्टी सी चीज़ें मेरे साथ होती रहती है। तो ये देखिए आलू भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, और मैं ना अक्सर फ्रिज में आलू बॉईल करके रखती हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि उसका ना जो फैट्स होते हैं और जो भी मतलब हम बोलते हैं ना कि आलू बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, तो मैंने ऐसे कहीं सुना था कि उसको बॉईल करके आप फ्रिज में रख दो ना तो उसका वो सारा कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑनियन भी अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था, ब्राउन नहीं करूँगी मैं बट सॉफ्ट अच्छा सा हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच, साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने हिसाब से आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। बहुत ही सिंपल आलू की सब्ज़ी की रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है, और जब मतलब थोड़ा सा ना तबीयत सही ना हो तो एकदम आराम से आप इसको बना के बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो बिकॉज़ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ पर आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं सब्ज़ी में, और इसको बस हम अच्छा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे सारे मसालों के साथ भून लेंगे। देखिए कितनी मज़े की लगती है, बिल्कुल येलो येलो सी, बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए जब बहुत ज़्यादा ऐसे मूड ना हो ना कुछ बना के खाने का, तो बहुत आसान होती है, क्योंकि फ्रिज में नॉर्मली आलू तो बॉईल करके रखा हुआ होता है, फटाक से बन जाती है। तो मैंने इसमें फाइनली धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ देखिए डिशवॉशर में भी माशाल्लाह से बर्तन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत हेल्प है यहाँ पर। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो के आती है डिशेस बाहर। तो मैं अभी अपने लिए लंच निकाल रही हूँ, तो सिंपली लंच में ले लूँगी राइस और जो दाल हमने बनाई थी वो वाली दाल ले लेंगे। बहुत मज़े की ये दाल भी बनी हुई थी। और यहाँ पर मैं ले लूँगी आलू की सब्ज़ी, साथ ही रोस्टेड पापड़। और ये मैं ओवन में रोस्ट करती हूँ इसलिए इतने अच्छे बिल्कुल दाग नहीं लगता है इनमें, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं ओवन में। तो ये बिल्कुल मज़े की हमारी लंच प्लेट रेडी हो गई है। फटाफट से लंच करके दोबारा मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह। तो लंच करने के बाद हम आ गए थे बच्चों के रूम में, और अब जैसे कि हमारी तबीयत वगैरह सही नहीं थी, तो काफ़ी दिनों से डस्टिंग वगैरह ठीक से नहीं हो पा रही थी घर की, बस ऊपर ऊपर से काम चल रहा था। तो यहाँ पर फाइनली मैंने आज डिसाइड कर लिया था थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर रूम ऐसा सामने कर दो बेटा, से मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी और उसकी हेल्प कर रहा था डाइसन। तो यहाँ पर वो क्लीन कर रही थी, थोड़ा सा डस्टिंग कर रही थी, और मुझे कहा कि मम्मा आप मुझे शूट कर लो प्लीज़, मेरा वीडियो डाल दो। तो देखिए कितना उससे शौक़ है, और मतलब ना ये है भी ऐसी चीज़ कि बच्चों को भी लगता है कि भाई हम भी इससे क्लीनिंग कर ले बहुत आसानी से। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं तो चले गई थी अपने रूम में, और ये देखिए रुमैसा ने माशाल्लाह से कैसे शूट किया है, और बहुत ज़िद करी थी कि आप अपने चैनल पर डाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये उसका छोटा सा रूम टूर पसंद आया होगा, और भी इसमें चेंजेस होने अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है। और ये वाली मैट्रेस भी हमने किसी को देनी थी तो हमने बाहर निकाल दी थी, और बिल्कुल मुझे पता नहीं था बट उसने खुद से ही शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि देखिए आजकल बच्चे कितने समझदार और कितने होशियार हो गए हैं, बस थोड़ा सा उनके साथ एफर्ट्स और समझदारी की बातें करने की ज़रूरत होती है, गुस्सा ना किया करे, प्यार वगैरह से समझाया करिए। तो देखिए कितनी अच्छे से वो खुद भी चीज़ों को समझते हैं और चीज़ें करते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इसका होम रूम टूर, और इंशाल्लाह जब मैं पूरा कर लूँगी ना सब कुछ अच्छे से, तो मैं आपके साथ दोबारा से इसका टूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बच्चों के रूम को डेकोरेट करने वाली हूँ। और मैं मेरी अभी स्केटिंग की जगह यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा सेफ्टी का सामान, यहाँ पे मेरे स्केट्स, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे, और यहाँ पे मेरा बॉल्स का सेक्शन, यहाँ पे डंबल का, यहाँ पे शी का फेवरेट टेडी बेयर जेरी लाइट स्टोरी बुक, एंड यहाँ पे छोटू सा स्टडी टेबल है, और यहाँ पे लैंप है, लाइट है, सब है हमारा, और ये सब हमारा ये है अच्छी मेरा। और मैं आपको इसमें टॉय, मेरा बॉलिंग का फ्री सेट है, इसमें मेरा वाइन जूस का सामान है, देख सकते हैं आप सभी। अभी मैं इसको बंद करती हूँ, इसमें भी मेरे टॉयज का सेक्शन है थोड़े, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉयज है तो हम लोग का टू सेक्शन है टॉयज का। और यहाँ पे हमारे मम्मा डैडी का टॉय, माशाल्लाह को बहुत शौक है सारी चीजें करने का, ये एबीसीडी का वो दिखा रही थी आप लोगों को सारा कुछ और रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं मैं आपके साथ।
चिल्ला आपको अगर उसका ये टूर अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इंशाल्लाह मैं और जिस तरीके से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, थोड़े और चेंजेस करने वाली हूँ और फिर आपके साथ बिफोर और आफ्टर इसका ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ बहुत ज़्यादा सामान था हमने रखा हुआ, तो सब कुछ हटा के हमने अब इतना किया है, बट और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है बच्चों के हिसाब से, थोड़ा और इसको करेंगे और फिर आपके साथ इंशाल्लाह से शेयर करेंगे। कल करना है, कल का भी शूट आना है, आ सकता है। मेरी सलवार कमीज देख सकते हैं आप सभी, ये हमारा कबर्ड, ये देखिए ये अजी का सेक्शन है। बच्चे आज के दौर में बहुत होशियार हो चुके हैं, उनको सारी चीज़ें हम जो भी करते हैं वो फटाक से कैच कर लेते हैं, सीख लेते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए कहा जाता है ना, बच्चे आपके सिखाने से ज़्यादा वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो आप बोलते हो, जो आप करते हो। तो मैं जिस तरीके से कैमरा लेती हूँ, मोबाइल लेती हूँ, शूट करती हूँ, उसे भी आजकल मुझे देख के बहुत शौक चढ़ता है कि मैं भी शूट करूँ, देखूँ, दिखाऊँ। आज का शूट हो जो, यहाँ पे वक्त हो चुका था डिनर का और बच्चों ने खा लिया था आलू की सब्ज़ी और रोटी, और इब्राहिम का मन था कुछ अच्छा खाए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रॉन्स। तो यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है, साथ ही उसमें ऐड कर दिया है राई और कड़ी पत्ता। जैसे ये थोड़ा सा क्रैकल होने लगेगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ गार्लिक, और नॉर्मली मैं गार्लिक के क्यूब्स बना के रखती हूँ चॉप करके, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करती हूँ और उसको फ्रीस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं मशरूम, क्योंकि मुझे मशरूम खाने थे और इब्राहिम को प्रॉन्स खाने थे। अब दोनों के लिए अलग अलग बनाने बैठते तो काफ़ी वक्त लग जाता, तो मैंने दोनों को साथ में मिक्स करके सोचा स्टर फ्राई बना देंगे, तो मशरूम और प्रॉन्स हम दोनों में से जिसको जो खाना है वो खा लेंगे। और मैं अक्सर इस तरीके का करती हूँ बिकॉज पहले भी हमारी फैमिली बहुत न्यूक्लियर थी, हम दोनों ही थे, तो हमें आदत हो चुकी है दो चीज़ों को मिक्स करके खाने की। तो यहाँ प्रॉन्स बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे ऑयल में, तो मैंने ऐड किया इसमें प्रॉन्स। मशरूम एक्चुअली अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने ऐड किया उसमें प्रॉन्स। ठीक है, तो प्रॉन्स को मैं अच्छा सा मिक्स कर दूँगी, और प्रॉन्स बहुत जल्दी कुक होते हैं इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, और मशरूम अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ कर देगा, फ़िश अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देगा, तो ये इसी में ही कुक होगा, हमें कोई कर्ड वगैरह या टमाटो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड की है क्रश की हुई रेड चिली पाउडर। तो इन मसाले आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। और सॉल्ट मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉन्स को सॉल्ट में मैरिनेट करके रखा हुआ था और मशरूम ऑलरेडी बहुत सॉल्टी लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट कम ही ऐड करूँगी क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, चाट मसाला भी हल्का सा सॉल्टी होता है, तो आप सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मज़े का मशरूम प्रॉन्स फ्राई रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इन सारे लोगों का शुक्रिया जज़ाकअल्लाह जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। दोबारा मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।